हाउ टू अनेबल पीएनपी ट्रांजेक्शन फीचर्स। नमस्कार दोस्तों, मैं मयंक भारद्वाज आप सबका फिर से स्वागत करता हूं अपने आज की वीडियो में। मेरा आज का वीडियो उन सभी लोगों के लिए है जिनको इस तरह का मैसेज अपने फोन के अंदर देखने को मिल रहा है जब वो अपनी पीएनबी वन एप्लीकेशंस के माध्यम से अपनी मनी को ट्रांसफर कर रहे हैं। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप किस तरह पंजाब नेशनल बैंक की जो ट्रांजेक्शन वाला फीचर्स है उसको किस तरह अनेबल कर सकते हो। तो चलिए पूरी जानकारी के शुरू करते हैं अपना वीडियो। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बोलना चाहूंगा, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मैं अपने चैनल पर आप सभी लोगों के लिए ऐसे ही यूजफुल वीडियो लाता रहता हूँ जो आप सभी लोगों के लिए काफी काम के साबित होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। आप में से काफी लोग पीएनबी वन एप्लीकेशन का यूज जरूर करते होंगे और जब आप उसके माध्यम से मनी ट्रांसफर करते हैं तो आपको कुछ इस तरह का एरर देखने को मिलता है। ये एरर आपको तभी देखने को मिलता है जब आपका ट्रांजेक्शन वाला फीचर्स अनेबल नहीं होगा। अगर आपका ट्रांजेक्शन वाला फीचर्स अनेबल है तो आपको ये देखने को नहीं मिलेगा। जब हम पीएनबी की नेट बैंकिंग को रजिस्टर करते हैं तो वहाँ हमको दो तरह के ऑप्शन मिलते हैं, व्यू ओनली और व्यू एंड ट्रांजेक्शन। तो कुछ लोग केवल व्यू ओनली पे क्लिक कर देते हैं जिसकी वजह से उनको इस तरह का एरर देखने को मिलता है। फिलहाल मैं आपको अपनी नेट बैंकिंग ओपन करके दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये मैंने अपनी नेट बैंकिंग ओपन कर रखी है और मेरे में ये जो ट्रांजेक्शन वाला फीचर है ये अनेबल हो रखा है। लेकिन आप में से काफी लोगों के नेट बैंकिंग में ये वाला फीचर्स नहीं आ रहा होगा। आपको अपनी नेट बैंकिंग में कुछ इस तरह का ऑप्शन देखने को मिलेगा। यहाँ मैंने देखिए स्क्रीनशॉट रखा हुआ है। यहाँ यहाँ केवल आपको पांच तरह के विकल्प देखने को मिल रहे हैं, लेकिन जो मेरी नेट बैंकिंग है इसमें आपको देखिए ट्रांजेक्शन का भी ऑप्शन देखने को मिलता है। तो अब हम इस ट्रांजेक्शन वाले फीचर्स को कैसे अनेबल कर रहे हैं, तो चलिए इसकी जानकारी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप देता हूँ। तो इसके लिए मैं आपको गूगल पे लेके चलता हूँ। यहाँ हम पीएनबी सर्च करेंगे। पीएनबी सर्च करने के बाद आपको यहाँ पीएनबी इंटरनेट बैंकिंग का ऑप्शन दिखाई देगा। आप इस पे क्लिक करिए या सीधा आप पीएनबी वाले ऑप्शन को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद देखिए आपको यहाँ इंटरनेट बैंकिंग दिखाई देगा, आपको यहाँ क्लिक करना है। यहाँ क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का पेज ओपन होगा। यहाँ से आपको पीएनबी वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। पीएनबी वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ इंटरनेट बैंकिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जब आप यहाँ क्लिक करेंगे तो देखिए आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आता है और यहीं पर आपको देखिए एक ऑप्शन दिखाई देता है अनेबल ट्रांजेक्शन फैसिलिटी। तो आपको इसी वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जब आप इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो ये आपसे आपकी यूजर आईडी मांगेगा। आप अपनी यहाँ यूजर आईडी डालिए और देन इस वाले ऑप्शन में क्लिक करके सबमिट पे क्लिक कर दीजिए। सबमिट पे क्लिक करने के बाद आपके रजिस्टर मोबाइल पे एक ओटीपी जाएगा। वो ओटीपी आपको यहाँ डालना है और उसके बाद कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपसे आपका डेबिट कार्ड नंबर मांगा जाएगा और अकाउंट नंबर मांगा जाएगा, साथ ही आपका एटीएम पिन मांगा जाएगा। तो ये सब डिटेल आपको यहाँ फिलअप करनी है। फिलअप करने के बाद आपको सीधा कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके सामने देखिए अनेबल ट्रांजेक्शन फैसिलिटी वाला पेज ओपन हो जाएगा। ऊपर आपकी यूजर आईडी पड़ी होगी और यहाँ आपको अपना ट्रांजेक्शन पासवर्ड बनाना होगा और री एंटर ट्रांजेक्शन पासवर्ड, यानी जो पासवर्ड आप यहाँ लिखेंगे वही पासवर्ड आपको यहाँ लिखना है। मैं आपको बताना चाहूंगा जो आपका लॉगिन पासवर्ड है उससे अलग पासवर्ड आपको यहाँ लिखना पड़ेगा। अगर आप लॉगिन वाला पासवर्ड यहाँ लिखते हैं तो मैच नहीं करेगा। और जो पासवर्ड आप बनाएंगे उसमें आपको एक एट द रेट का निशान या हैश का निशान, ऐसे वर्ड का यूज करना है और पहला वर्ड आपको कैपिटल यूज करना है और फिर आपको 1 2 3 जैसे वर्ड का भी यूज करना है। इसके बाद जब आप यहाँ अपना पासवर्ड लिख देंगे तो सीधा आप सेट पासवर्ड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए। सेट पासवर्ड वाले ऑप्शन में क्लिक करके देखिए आपके सामने कुछ इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा जिसमें आपको मैसेज मिल जाएगा कि आपको जो ट्रांजेक्शन पासवर्ड है सक्सेसफुली सेट कर दिया गया है। अब सिंपल आप अपना पेज को लॉगिन करिए। लॉगिन करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा और यहीं पर ऊपर आपको ट्रांजेक्शन का ऑप्शन भी दिख जाएगा। और जब आप अपने पीएनबी वन एप्लीकेशन के माध्यम से ट्रांजेक्शन करेंगे तो आपको इस तरह का एरर देखने को नहीं मिलेगा। तो ये एक आसान तरीका था जिसके माध्यम से आप पीएनबी वन की जो ट्रांजेक्शन फैसिलिटी है उसको अनेबल कर सकते हैं। तो अगर आपको ये फीचर्स अनेबल करने में किसी भी तरह की परेशानी आए तो आप मुझे फोन करके मेरी हेल्प ले सकते हैं। मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगा आपका ये फीचर्स अनेबल करने में। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।